हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। गाइज, आप लोग बहुत दिन से मुझसे पूछ रहे थे, दी आप अपना स्किन केयर शेयर कीजिए, स्किन केयर शेयर कीजिए। मैं भी चाह रही थी कि आपके साथ अपना स्किन केयर शेयर करूं। सो मैं डेली बेसिस पे जो भी स्किन केयर मैं यूज़ करती हूं आप लोगों को बता देती हूं। जैसे कि मैं यूज़ करती हूं ये फेस वॉश डेली में, तो मैंने आपके साथ इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू भी शेयर कर दिया है अपने चैनल पे, बहुत पहले ब्लॉग के अंदर दिखाया हुआ था। और ये मेरा फिनिश भी हो चुका है, दो बॉटल मैंने इसकी खाली कर दी है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में होता क्या है, पानी से आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडक लगती है, मेकअप रिमूव, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मन नहीं होता है किसी का। तो मैं तो कहती हूँ आप डायरेक्ट पूरा बहुत सारा फाउंडेशन लगा लीजिए, और एक बार इसका ऑनेस्ट अगर रिव्यू चाहते हो तो खुद करके देख लीजिए। ये जो फेस वॉश है ये आप का फाउंडेशन को एकदम से रिमूव कर देगा। उसके बाद अगर आप वाइप से अपना फेस जब क्लीन करोगे तो आपके फेस पे कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये डीपली क्लीन करता है आपकी फेस को। एंड इसके बाद मैं टोनर यूज़ करती हूँ जो कि रहे गुड वाइप्स की तरफ से। ये टोनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने देखा होगा मैं इस टोनर को भी कई बार दिखा चुकी हूँ। ऑयल यूज़ करती हूँ, ये पर्पल का है और अभी अभी न्यू लॉन्चेस है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बॉटल खाली हो चुकी है, ऑलमोस्ट आधी बॉटल मैंने फिनिश कर दी और कुछ दिन पहले ही मुझे रिसीव हुई। तो उसके बाद मैंने ये सैफ्रॉन वाली क्रीम यूज़ की है जो कि अगेन गुड वाइब्स की तरफ से। तो ये मेरे डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी वो रहेंगे मेरी मंथली स्किन केयर के। सो आई जस्ट होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर ही लेना। अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो बिल्कुल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किसका चैनल पसंद आता है। आपने मांगा, कुछ लोगों ने मुझसे स्किन केयर मांगा, इसलिए मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये ऑनेस्ट वाला रिव्यू भी मैं साथ ही साथ आपको इन प्रोडक्ट्स का देती जाऊंगी। सो चलिए गाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। सो गाइज, स्किन केयर करने से पहले मैं अपनी हेयर को अच्छे से टाइट कर दूंगी ताकि मेरे जो हेयर हैं वो मेरे फेस पे ना आए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बाओ स्किन साइंस का एक्ने कंट्रोल फेस वॉश। ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपको डीपली क्लीन करेगा आपके फेस को। अगर आपको स्कार्स की प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्ने स्कार्स की या पिंपल स्कार्स की, किसी भी प्रकार की इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिमूव करता है धीरे धीरे करके। मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। फेस वॉश में मैं बहुत सारे फेस वॉश के साथ यूज़ करती रहती हूँ, कभी गुड वाइब्स का, कभी बायोटिक का, लेकिन ये जो फेस वॉश है ये मुझे ऑल टाइम फेवरेट फेस वॉश है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। 2 मिनट आपको फेस वॉश करना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई मेकअप लगाया हुआ, अगर नहीं लगाया है तो 1 मिनट सही। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर यूज़ किया है, ये आर्गन टोनर है, ये आपके फेस पर पीएच बैलेंस करता है, और जो इसकी मुझे बेस्ट थिंग लगती है आपकी स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज भी करता है, तो टोनर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बॉडी क्यूपिड का ये स्क्रब, और ये स्क्रब बहुत ज़्यादा अच्छा है। 24 कैरेट गोल्ड से ये स्क्रब बनाया हुआ है, और सबसे अच्छा कि बहुत ज़्यादा माइल्ड है। धीरे धीरे ही जिस तरीके से आप बिल्कुल हल्के हाथों से फेस वॉश करते हो उसी तरीके से आप स्क्रब कीजिए। स्क्रब से आपकी जो भी डेड स्किन है वो रिमूव होती है, साथ ही साथ अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। मैं स्क्रब 15 दिन में एक आध बार और महीने में एक आध बार करती हूँ, कभी मैं 15 दिन में कर लेती हूँ, कभी महीने में। जैसे अगर मैंने मेकअप लुक बहुत सारे निकाले हुए हैं महीने में 4 से 5, तो मैं कुछ दिन 15 दिन में कर लेती हूँ, और अगर मैंने मेकअप लुक नहीं किए हैं तो फिर मैं 1 महीने में करती हूँ, क्योंकि अगर आप मेकअप लुक करते हो तो आप चाहते हो कि आपकी स्किन डीपली क्लीन रहे। पहले मैं वीकली कर लेती थी, बट अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं मंथ में या 15 दिन में एक बार करती हूँ। स्क्रब है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्क्रब है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो जिनकी ड्राई स्किन है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे फोकस करते हैं ना, तो वो ऐसे चीज़ों पे फोकस करते हैं जहाँ पे उनकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो। सो ये देख सकते हैं मेरी जो स्किन है वो अच्छे से स्क्रब है मैंने कर लिया है, और मैं वहाँ पर ज़्यादा स्क्रब करती हूँ जहाँ पर मेरी स्किन मुझे हल्की सी डार्क लगती है, अनइवन लगती है, और जहाँ पे मुझे इसकी जैसे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वहाँ पे फॉरहेड पे एंड नोज़ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत दाने आते हैं। उसके बाद मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया, और आप देख सकते हैं मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है।
अब इसके बाद हम बारी बात करते हैं, अगेन मैं टोनर यूज़ करूँगी क्योंकि मैं टोनर कई बार यूज़ करती हूँ, इससे मेरी स्किन जो स्क्रब है इससे मेरी स्किन सॉफ्ट भी हो चुकी है। और ये देख सकते हैं मुझे ये स्कार यहाँ पे आ चुका है, और ये आया है मेरे गंदे ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से। ब्लेंडर को अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो ये दिक्कत आपको आ जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का ये रोज़ मास्क, और ये मास्क मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और इस मास्क को मैं हफ्ते में एक आध बार यूज़ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये मास्क। उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया है क्योंकि हल्का सा फेस को मैं कर दूंगी थोड़ा सा गीला, ताकि जो फेस पैक है वो अच्छे से लग जाए। एंड ये जो फेस मास्क है इसकी मैं क्या ही बात करूं आप लोगों के साथ, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो इसकी लगती है वो है कि इसके अंदर बड़ी ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, और रोज़ तो आपको पता ही है आपकी स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करता है, तो ये ग्लो के लिए तो बेस्ट है, मॉइस्चराइज भी करता है, आपकी स्किन ड्राई नहीं लगती है। जब आप कोई फेस मास्क लगाते हो तो आपकी स्किन काफ़ी ड्राई लगती है, तो इसके साथ वो नहीं है। और मैं इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरा जो फेस पैक है वो अच्छे से अपना वर्क कर पाए। अगर आप पतली लेयर लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि फेस पैक वर्क नहीं करता, लेकिन उसके थोड़ा सा अगर आप थिक लेयर लगाते हो तो ज़्यादा बेटर लगता है। सो मैं अपने फेस पर पूरे अच्छे से लगा लूँगी। और ये फेस मास्क काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, गुड वाइब्स के सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। गुड वाइब्स है ही मतलब इसकी के लिए कि उसके स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं गुड वाइब्स की वो मुझे बहुत पसंद आती है। आई डोंट नो वाई, लेकिन पता नहीं क्यों एक अलग सा ही ऐसा लगता है कि गुड वाइब्स सिर्फ स्किन केयर के लिए ही बना हुआ है। सो देख सकते हैं मैंने अपने फेस पैक को फेस पे नेक पे अच्छे से लगा लिया है। और स्किन केयर गाइज आप लोगों को करना चाहिए ख़ास तौर से विंटर में, क्योंकि विंटर में स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, साथ ही साथ स्किन अनइवन होती है। कोल्ड क्रीम वगैरह ना यूज़ करें अपने फेस पे, उससे आपकी स्किन हल्की सी डार्क भी होती है। मुझे विंटर में मेरी स्किन हल्की सी डार्क होती है तो मैं अपनी स्किन केयर अब ज़्यादा फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने गुड वाइब्स का ये स्क्रब लिया हुआ है, लिप स्क्रब है ये, एंड ये स्क्रब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि इससे मेरी जो भी डेड स्किन थी मेरे लिप्स पे वो सारी रिमूव हो चुकी थी, एंड मेरे जो लिप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही पसंद आया। तो जी हाँ, अगर आप अपना फेस स्किन केयर कर रहे हो तो उसमें स्किन केयर में आपकी स्किन पे लिप्स भी हैं, जो कि मोस्ट थिंग होती है। जब तक आप मेकअप में लिपस्टिक ना लगाओ ना, मेकअप फुल नहीं लगता है। उसके बाद जब स्क्रब कर लिया, उसके बाद मैं थोड़ी सी लिप बाम लगा ली जो कि अगेन गुड वाइब्स की है, और ये इसको मैं छोड़ दूँगी फेस पैक को। फेस पैक को छोड़े मुझे 20 मिनट हो चुके थे और 20 मिनट में मेरा फेस पैक अच्छे से सूख चुका था। इसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगी, अगेन मैं टोनर का यूज़ करूँगी। टोनर का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ख़ास तौर से विंटर्स में, क्योंकि टोनर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, टोनर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। आपके पीएच बैलेंस की आपकी स्किन की पीएच बैलेंस करता है आपके, एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और आर्गन वाला तो बेस्ट है। उसके बाद मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा मॉइस्चराइज और ग्लोई लग रही है। वो इसलिए क्योंकि आप ऐसा कुछ यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज लगेगी। उसके बाद मैं गुड वाइब्स का ये सीट मास्क यूज़ कर रही हूँ, और ये सीट मास्क आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये मिल जाते हैं। पहले मेरे PR पैकेज में आते थे, अब मैं खुद परचेज करती हूँ, तो कभी इन पर चलता है Y7 Get 7 फ्री, तो कभी ऑफ़र चलते हैं, तो मुझे ये अफोर्डेबल प्राइस पर मिलते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ये है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो भले ही वो मेरे PR में ना आए, मैं मंगा लेती हूँ, क्योंकि अगर फेवरेट है तो है कोई भी चीज़ हो। जैसे कि बाव के प्रोडक्ट मुझे नहीं आते हैं मेरे PR में तो मैं मंगाती हूँ, बॉडी के ऊपर के भी मंगाती हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो एक बार थोड़ा सा अफोर्डेबल, जैसे कि मैं बोलूं कि ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल, लेकिन अगर फिर भी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो एक बार मंगा लीजिए और बार बार आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस इसको 20 मिनट रखा, उसके बाद इसको रिमूव किया, मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई। उसके बाद जो सीरम बचा हुआ है मेरे सीट मास्क में, मैं उसे अपने हाथों पर लगा लूँगी। उसके बाद मैं अपने फेस पे हल्का हल्का सा हाथ घुमाऊंगी जिससे मेरा जो सीरम है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये जो सीरम होता है सीट मास्क वाला, ये बहुत जल्दी आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके बाद मैं सीरम थोड़ा सा और यूज़ करूँगी,
लेकिन उसके पहले मैं अपने अंडर आई एरिया पे अच्छे से मसाज करूँगी इसी सीरम के साथ, क्योंकि ये आपकी अंडर आई एरिया पे अच्छा वर्क करता है, साथ ही साथ आपको ये रिलैक्स फील कराता है। सो जी हाँ, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि सीरम ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड ऑयल, और ये ऑयल इतना ज़्यादा अमेजिंग है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ग्लो ही रखने ग्लो ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन पे। एंड साथ ही साथ ये ऑयल ज़रूर है बट ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, एक अलग सा साइन आ जाता है, और आपको ना ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन ऐसा जैसे ऑयल से भरी हुई। कई लोगों को ना अपनी स्किन ऑयली पसंद नहीं होती कि जिसपे ऑयल ऑयल सा लगे। सो मैं इसके साथ अच्छे से अपनी स्किन को मसाज करती हूँ डेली बेसिस पे, और रेगुलरली मैं इससे अपना मसाज करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये गुड वाइब्स की सैफ्रॉन वाली क्रीम, और ये क्रीम इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। अगेन ये आपकी स्किन को ऐसा दिखाती है कि हल्का सा आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, ग्लो ही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड होता है आपके फेस पे, जो कि आपको आगे थोड़ा सा देखने को भी मिलेगा। तो जी हाँ, ये स्किन भी ये जो क्रीम है ये तो अमेजिंग है। सो गाइज, ये था मेरा सिंपल सा स्किन केयर, आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया हो। बाय बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।